क्या लॉकडाउन तोड़ने की वजह से किसी देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ सकता है? भारत जैसे देश में तो ये बिल्कुल ही पीजे की श्रेणी में आएगा। पकाऊ जोक्स कि ऐसा कहां होता है, यहां तो आम आदमी भी चाचा विधायक है हमारे कहकर लॉकडाउन में भी पान खाने चला जाता है। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं है। ब्रिटेन में जब पहली बार लॉकडाउन लगा था तो वो बेहद सख्त था, और उस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक पार्टी की थी, और करीब 2 साल बाद उन्होंने इस बात के लिए अपने देश के लोगों से माफी मांगी। लेकिन न तो देश के लोग, न तो विपक्षी पार्टी और न ही उनकी अपनी पार्टी के लोग उन्हें माफ करने के मूड में हैं, और अब उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। भारत में तो होता ये रहा है कि सुबह में खुद प्रधानमंत्री कोरोना की समीक्षा करते हैं और कहते हैं कि सबको कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, और शाम को चुनावी रैली में भीड़ जुटाकर उनका धन्यवाद देते हैं। और प्रधानमंत्री ही क्यों, राज्यों के मुख्यमंत्री, बड़ी बड़ी पार्टियों के नेता यही तो करते आए हैं। और मजाल है किसी पुलिस वाले की कि सवाल भी पूछ ले या कह भर दे कि मास्क लगा लीजिए, नौकरी चली जाएगी उसकी। अरे ये तो बड़े लोग हैं, चुनावी सीजन में सफेद कुर्ता पैजामा और सफेद जूते डालकर सड़क पर निकले छुटभैये नेता भी पुलिस वालों को धौंस दिखाकर कहते हैं कि चाचा विधायक हैं हमारे, तो उनके खिलाफ एक्शन ले ही कौन। लेकिन इसके ठीक उलट ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने के बाद सार्वजनिक तौर पर माफी मांग रहा है, आम लोगों से माफी मांग रहा है, और तो और उसकी कुर्सी पर भी तलवार लटक रही है। और ब्रिटेन का जैसा इतिहास रहा है, हो सकता है कि बोरिस जॉनसन का इस्तीफा भी हो ही जाए, क्योंकि बोरिस जॉनसन से पहले ब्रिटेन के ही स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक को भी इस्तीफा देना पड़ा, और वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने भी कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया। मैट हैनकॉक की ऑफिस की ही एक कोवर्कर के साथ सिर्फ तस्वीर भरी वायरल हुई थी। हैनकॉक की इस तस्वीर पर लोगों में काफी नाराजगी थी। जॉनसन की तरह हैनकॉक ने नियमों के उल्लंघन के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन उनकी कुर्सी नहीं बची, चली गई। कह सकते हैं कि वो ब्रिटेन है तो ऐसा हो सकता है। तो फिर ब्राजील का उदाहरण ले लेते हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो। मास्क न लगाने की वजह से उन पर कई बार जुर्माना लगाया जा चुका है, और हिम्मत देखिए ब्राजील पुलिस की कि उसने अपने राष्ट्रपति को भी नहीं बख्शा है। और राष्ट्रपति को देखिए उस ब्राजील के कि उन पुलिस वालों का ट्रांसफर तक नहीं हुआ, नौकरी जाने की बात तो छोड़ ही दीजिए। पिछले साल अप्रैल में थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा ने मास्क नहीं पहना था, तो इसके लिए उन पर 6,000 बात यानी करीब 14,270 रुपए का जुर्माना लगाया गया था। पिछले साल अप्रैल में ही नॉर्वे के प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग ने अपना 60वां बर्थडे मनाया था, तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ दिए थे। तब उन्होंने महज 13 लोगों के साथ पार्टी की थी, जबकि देश में एक साथ 10 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर बैन था। सोलबर्ग पर 20,000 नॉर्वे क्राउन्स यानी करीब करीब 1,75,456 रुपए का जुर्माना लगा था। माउंटेन रिजॉर्ट पर आयोजित इस पार्टी के लिए प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी थी। पिछले साल मई महीने में यूक्रेन के स्वास्थ्य मंत्री को उनके पद से हटा दिया गया, क्योंकि महामारी को ठीक से नहीं संभालने को लेकर उनकी आलोचना हो रही थी। वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार उनको हटाए जाने की एक बड़ी वजह थी। लेकिन जरा अपने देश की ओर देखिए, कहते हैं कि हम विश्व गुरु, दुनिया हमसे सीखती, लेकिन वो तो भला हो दुनिया का, कम से कम नियमों को तोड़ना तो हमसे और हमारे नेताओं से नहीं सीखा है। अब देखिए ना अपने, अभी तो रैलियों पर रोक है तो थोड़ी शांति है। इससे पहले क्या हुआ, लाखों लोग रैलियों में आए बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाए, और नेताओं ने भी मास्क नहीं लगाया, न प्रधानमंत्री ने, न गृह मंत्री ने, न ही किसी मुख्यमंत्री ने। विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से लेकर तमाम नेता बिना मास्क के नजर आए, लेकिन किसी ने उनसे नहीं पूछा कि आपका मास्क कहाँ है, कोई कैंपेन नहीं चला उनके खिलाफ। उल्टे देश की राज्य सरकारें हम जैसे आम लोगों पर मास्क के लिए फाइन लगा लगा कर अपनी जेबें भरती गई, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन का आरोप लगाकर पैसे इकट्ठा करती गई। लेकिन हालात तभी सुधरेंगे ज
जब जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी, जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से जवाब तलब किए जाएंगे, जैसा ब्रिटेन में हो रहा है, जैसा ब्राजील में हो रहा है, जैसा थाईलैंड में हो रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ नेता रैलियां करेंगे, लाखों की भीड़ जुटाएंगे, और जब कोरोना का संक्रमण फैल जाएगा तो ऑनलाइन मोड में चुनाव प्रचार प्रसार शुरू कर देंगे, जैसा कि अभी हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट।